आज का ब्लॉग है कुकिंग ब्लॉग, क्योंकि मम्मी बनाने वाली हैं मूंग दाल का हलवा। मूंग दाल का हलवा उसका ये लो, तू बोल ले। रूल लेके आया आज व्यू। हम क्रैकर बना रहे थे और दिवाली बना रहे थे और दो बना रहे थे। अच्छा, मामू की हैप्पी बर्थडे थे। ठीक है, उसने सारा हैप्पी बर्थडे का बता दिया, तो मैं बता दूं आपको। सबसे पहले मम्मी दाल के क्या किया था आपने सुबह? इसको इसको भगो के पहले इसकी सुन लो क्या बोलना है। ये वीडियो टीम में भी देखेगा। ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो इसको मम्मी ने धोया भिगोया पहले? मैंने भिगोया नहीं, धोना ही है बस। अच्छा, हाँ धो के सुखाना है बस। ठीक है, तो जो दवाई दुई लगी होती ना, मेडिसिन जो लगी होती है इसको, हाँ वो निकल जाती है। तो इसको पहले तो आप उसमें नहीं करना, मिक्सी में बाद में करना ना, इसको रोस्ट करेंगे। अच्छा, ओके ओके, थोड़ी लाल करेंगे ना। पहले डाला घी, देसी घी ऐड किया। आज मम्मी न्यूली कढ़ाई यूज कर रहे हैं, पुरानी हमारी खराब हो गई। मीठा बनाना चाहिए ना कहते कुछ। ओह, ये इसके लिए नहीं है मम्मी, बहाना मत डालो। हाँ, नहीं कुछ मीठा ना है, मतलब में मीठा बनाना चाहिए ना। पहले तो हमने कभी बनाया नहीं। हाँ? नहीं बनाते हैं, दूध उबालते हैं ना पहले। इसलिए तो अब मीठा ही बनेगा ना। इसको मम्मी कर रहे हैं अभी, इसको रोस्ट करना है बस, लाल करनी थोड़ी। देसी घी में, ये देसी घी में बनता है ना। क्या है आज कुकिंग व्लॉग है? तो ये हम बहुत बार ट्राई कर चुके थे मूंग दाल का हलवा, बट ऑलवेज ही फेल हो जाते थे। तो ऑलवेज इसका हम क्योंकि हम पहले मम्मी कैसे बनाया था जब खराब बन गया था, ऐसे ही धो के मम्मी ने कोई सुखाया नहीं। हाँ। मम्मी ने कोई सुखाया नहीं, धो के ऐसे गीले गीले कोई मतलब मिक्सी में कर लिया, और बाद में जब बनाया तो वो घी में चिपके ही जाए, पता नहीं उसका क्या बन गया था और ही कुछ ना। फिर एक बार ऐसे ही बिना धोए सुखाए मम्मी ने ऐसे सूखी दाल लेके उसको मिक्सी में कर लिया था, फिर उसको कुक किया था, पर फिर भी नहीं बात बनी। और ये बताया छोटे मामू ने, छोटे मामू ने बनाया कि इस वे से आप बनाया करो, अच्छा बनेगा, अच्छा बनेगा, बनेगा। के पहले उसको आप धो के अगर ना बने तो फोटो होंगे ना, वहां से ना अच्छा बनाता। और वो बनाते आए हैं ना, छोटे मामू बनाते आए हैं, तो इसलिए उनको पता था कि किस वे में बनाना है, तो उन्होंने मम्मी को बनाया कि इस ऐसे आप बनाओ, क्योंकि मम्मी को, बल्कि मुझे तो मम्मी को पसंद है, बाकी मम्मी किस किस को पसंद है? जी मैं ही ज्यादा, मम्मी और मैं ही ज्यादा, हमें बहुत पसंद है ये मूंग दाल का हलवा। और मुश्किल भी यही होता है मुझे लगता है ना, सूजी वाले तो वो ऐसे ही होंगे, वो तो इजी है, वो तो बनाना इजी है। इसको कर रहे हैं मम्मी रोस्ट, रोस्ट भी नहीं कह सकते क्योंकि घी तो डाला है ना हमने। हाँ। इसको हल्का हल्का वो कर रहे हैं सोटे, कुक शेफ की लैंग्वेज में सोटे। जल्दी बनता है, हम शेयर तो कर रहे हैं, पर हम सच में हमें खुद नहीं पता कि ये कैसा बनेगा अभी, क्योंकि हम तो ये वे में ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि छोटे मामू ने बताया था, तो हम ट्राई करने वाले हैं बस इस वे से, है ना मम्मी? वो घर में बनाते हैं, बहुत बढ़िया। उन्होंने तो बनाया, पर हम फर्स्ट टाइम करने वाले हैं ट्राई, अभी पता नहीं कैसा बनेगा। दाल रोस्ट करके इसको महीने भर के लिए रख लो, थोड़ा थोड़ा निकाल के बनाते रहो बाद में। पंजाबी लोग हैं, हम ज्यादा खाते हैं, सब बनाएंगे। मिक्सी विच पीस देना। और पंजाबी थोड़ी पंजाबी थोड़ी और पंजाबी ये नहीं पंजाबी, पंजाबी है इसलिए पंजाबी जानते ने केड़ी कूटना है मिक्सी में, कूटना एनु कोट देना पूरा मिक्सी विच, मतलब तैयार हो रही है अभी रोस्ट, ये पूरी ब्राउन ब्राउन हो जाएगी ना, ब्राउन हो जाएगी, फिर इसको निकाल के थोड़ी थोड़ी ना मतलब कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं ठंडा करके इसको, और फिर थोड़ी थोड़ी निकाल के पीस के पीस के। ठीक है, मुझे खुद नहीं रेसिपी पता ऐसे वैसे, नहीं ऐसे नहीं खराब होगी, पर नाल ही पीस लेना चाहिए ना, ओके ठंडी करके पीसना है। ओके, इसको दोबारा वेट करना है, सुबह से वेट करें, फिर वेट करना है, थोड़ा ठंडा करके ना, इसका मतलब ये मैं लाइफ में कभी नहीं बनाऊंगी। नहीं नहीं, मम्मी
मधु तो कह रही है बाहर से मंगवा ले बंदा इससे अच्छा। ये आजकल के बच्चे कैसे है, बस कुछ ना करना पड़े, बस खाने को मिले यार। इसके आप सुबह से वेट कर रहे हैं, पहले इसको सुखाओ, पहले इसको धोया, मतलब बिग बर्ड धोया, फिर इसको सुखाया, फिर सूखने के बाद इसको 3-4 घंटे धूप में भी रखे, फिर इसको अब रोस्ट करने के बाद फिर ठंडा होने का वेट करें। अब रोस्ट करेंगे, रोस्ट करने के बाद फिर ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद इसको करेंगे मिक्सी में, मिक्सी में करने के बाद इसको पकाएंगे। ये क्या इतनी झंझट है। ओ तो अभी देखो जी रेड रेड हो गया ना बीच में थोड़ा सा, तो ये अभी हो गया ना, मुझे लग रहा है, हमें लग रहा है, हमें खुद नहीं पता क्या करेंगे। अंदाजे से सिर्फ उनसे सिर्फ सुना है कि इस तरीके से बनाते हैं, देखा नहीं है कभी उनको, मामों को बनाते हुए, तो सिर्फ सुना है और सुनने से ही हम वही सुना सुनी चीजें सब बना रहे हैं हम इस टाइम पे। हाँ कल है लोहड़ी, तो लोहड़ी की वजह से कल बनाएंगे खीर, और कल जाएंगे सामान ले लोहड़ी का, फिर खीर आज बना लेंगे, कल खाएंगे। हाँ कल मैं खीर बना दूंगी, खीर की नहीं कोई बात है, ये बना रहे अभी, फिर कल फिर खीर बनाएंगे, फिर और भी सामान मम्मी बनाएंगे कल लोहड़ी वाले दिन, पंजाबी होगा त्यौहार। मम्मी ने निकाल दिया देखो, अब इसको करना है ठंडा, ठंडा करने की बात करेंगे मिक्सी में। तो ये अभी कर, ये हो गई है ठंडी, तो मम्मी करने वाले इसको ग्राइंड, हमने नया ये दिया है इसका मुहूर्त का, इसका भी मुहूर्त करेंगे आज कढ़ाई के साथ, ये भी नया ही लिया है आज। सो जाता है, हाँ अच्छा है, नीचे से फिक्स हो जाता है ना। तो ये देखो ये हो चुका है अच्छी तरह से, मम्मी ने कर दिया इसको, है ना। पीसती है तो दाल तो बड़ा लग रहा है कि अच्छे से हो गई है मिक्सी में, हमें तो लग रहा है जैसे हमने अभी जंग जीत ली है, तो मुझे इस बार लग रहा है हमसे बन जाएगा, अच्छा ही बनेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि 2-3 बार ना हमसे गड़बड़ हो चुकी है इस चीज में। मम्मी डाल रहे हैं अब इसमें देसी घी, क्योंकि एकदम दर्दरी दर्दरी हो गई, पहले हमने जब गीली करके डाली थी तो वो एकदम लेवी लेवी सी हो गई थी। इसमें घी ज्यादा डालता है, हम पंजाबी लोग वैसे भी घी ज्यादा खाते हैं, आधा ऊपर घी डालेंगे ना, तो इसमें डाला है अभी घी। मम्मी डाल रहे देसी घी, आधी आधी रख दी है दाल। देखो मम्मी ने कहां पे सर पे भी लगाई हुई, माथे पे भी लगाई, पता चल रहा है कि चले थे बनाया, मैंने बनाया मम्मी ने पता क्या किया, पहले थोड़ी दाल निकाल ली, कहते हम ट्राई करने वाले कहीं खराब ना हो जाए, तो अभी जब घी ज्यादा हो गया तो कहते सारी डाल लू। मम्मी मैंने आपको बोला था ये ज्यादा नहीं होगी, मम्मी कह रहे हैं कि फूलेगी, अच्छा नहीं बना, तो इसने बोला है। मम्मी कह रहे कि ये फूलेगी दाल, तो मैंने कहा कितनी को हो जाएगी उतनी होगी, तो फिर मम्मी ने साइड पे निकाली हुई थी, मैंने इनको कहा कि सारी डाल दो आप, सारी इसमें डाल दो, क्योंकि ये बाद में ना वो हो के कहीं कम ना हो जाए हमें, क्योंकि पसंद बहुत है ना। इसको थोड़ा लाल करना है, वैसे तो भुनी हुई है फिर भी लाल करेंगे ना इसको अच्छे से, कच्ची ना रहे। पर मुझे लग रहा है इस बार हम सक्सेसफुल होंगे इसमें, ये बनेगी हमसे अच्छी। जैसे ये बना के हमने जंग जीतनी है बहुत बड़ी, अगर अगर ये अच्छा बन गया तो फिर तो रोज लोहड़ी होगी। अच्छा। लोहड़ी मनाएंगे रोज, रोज लोहड़ी मनाएंगे, ठीक है। खीर भी बनाओगे आप तो, अभी मम्मी ड्राई फ्रूट्स डालने लगे हैं इसमें, बाद में वो भी करने लगे हैं ना, और यहाँ पे दूध भी रखा हुआ है, क्योंकि दूध डालेंगे हम इसमें, पानी नहीं ऐड करना, दूध डालेंगे, ये भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ओ ओ बाहर गिरा दिया आपने।
पता ही है ना ले भी जुए क्या बाहर गिरा दिया मैंने तो गाइस हमें लग रहा है कि ये लाल हो गया, कहीं ये काला ना हो जाए। मम्मी जल्दी जल्दी कर दो इसको गैस कम। अब इसमें डालेंगे चीनी, इसमें मीठा ज्यादा पड़ता ना। मम्मी तो वैसे भी बड़ा मीठा, इसलिए डायबिटीज है आपको। बुझ गया ना, ज्यादा ना बुझ जाए, बाद में कोड़ा ही हो जाए। इसमें डालेंगे दूध। ओके ज्यादा ही डाल दिया कुछ तो बनेगा। मम्मी ये क्या किया? ओ मम्मी ने ज्यादा दूध डाल दिया उसमें। नहीं, ज्यादा नहीं है मम्मी, कुछ ज्यादा हो गया है। नहीं नहीं ज्यादा नहीं है। अगर गड़बड़ हो गई तो फिर गड़बड़ होगी नहीं। मुझे लग रहा है आपने वो बना दिया। आप सूजी का बना सकती थी, ये भी ऐसे ही बनेगा। अच्छा सूजी का हलवा बनाने से शेफ हो गए वहां तो आप सब में से जिसको भी सूजी का हलवा बनाने आता है समझ लो आप शेफ हो। शेफ वाह, सूजी मैंने पहले डाला। ओके घी मम्मी ने फिर से डाला। भाई इसमें घी डलता है ज्यादा, ठीक है। पर मम्मी ये तो आप लास्ट में भी ऐड कर सकते थे जब पक जाता। नहीं वो बाद में इसमें निकलता है, बाद में फिर डलता है। दूध ज्यादा डाल दिया आपने। नहीं नहीं दूध ज्यादा हो गया है। नहीं तो लग रहा था पक गया। इसमें फूड कलर नहीं डालते कहीं येलो? हाँ मुझे था कि जब मैंने खाया ना बाहर से तो येलो येलो होता था, ये आटे जैसा क्यों हो गया है? डालो दूध। दूध मम्मी फूड कलर कहाँ है? कुछ तो बनाएंगे आज हम है? ये लो उधर उबल गया दूध भी। इतनी गड़बड़, ये तो बड़ी मेहनत करवा रहे हमसे। डाल तो इसमें मैंने दूध में ये फूड कलर ऐड कर दिया था, ये वाला येलो वाला, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। कम तो नहीं है? नहीं ठीक है ना, ज्यादा ही वरना येलो हो जाएगा। ऑरेंज होना चाहिए था वैसे ना। मम्मी आपने दूध ज्यादा डाल दिया, मानो ना मानो। कड़ी बना दिया आपने उसकी मम्मी आपने उसकी कड़ी बना दी है। बन्दा है। अपना कर बताएंगे क्या? मुझे लग रहा है आपने कड़ी कर दी उसकी। ये देखो जूम से गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। जब मिक्सी दाल ज्यादा हो गई ना, दाल नहीं ज्यादा हुई, दूध ज्यादा हो गया। मुझे पता है ना दूध हुआ है ज्यादा, दूध आपको डालना चाहिए कम, क्योंकि हमने इसको किया था रोस्ट। ये क्या हो गया अब, कम ही दाल डालनी चाहिए थी, इतना अब कौन खाएगा। तो लैंड रिजल्ट देखते हैं इसका क्या होता है, ये कड़ी से कड़ा बनती है नहीं। बंद कर कैमरा ऑन बनेगा। क्या बोला? बंद कर दे मम्मी कहते बंद कर कैमरा, जब बनेगा फिर दिखाना कि क्या बनता है। और व्यू महाराज जी हैं यहाँ पे अपनी सेना खड़ी करके। ये देखो सॉफ्ट टॉय की ये दुकान लगाई हुई है अपनी, अब स्पाइडरमैन उठा के सॉफ्ट टॉय की दुकान लगा ली है। हाँ जी टॉयज वाली शॉप बनाई हुई है। व्यू के लिए हम बना रहे मीठी चीजी, मूंगी दाल का हलवा। तो गाइस ये देखो अभी इसको ना मम्मी थिक कर रहे हैं, इसको अभी कुक कर करके कर करके इसको ना एकदम थिक कर देना है, फिर ये सेट होके बनेगा ना। बन जाएगा ना? बनेगा क्यों नहीं बनेगा, बनेगा व्यू। मैं टम्मी पे डोल भी डालूं। बस कोम पकड़ के इसने टम्मी पे डोल, ये लो। अभी इसको थिक करेंगे फिर देखते हैं इसका क्या कलर आएगा। मैंने घी घी कर दिया, मैंने सारा डाल दिया इसमें। अभी घी डलता है आई थिंक, हो जाएगा ठीक। ये ठीक होके फिनिश कर दिया, ज्यादा नहीं होगा मम्मी की।
डलता ना इसमें दाल में कभी देखा देखा तो है पर जैसे आ रहा है ना थोड़ा ठीक लग रहा है अब। हाँ इसको और थिक कर करके ना ये ठीक हो जाएगा फिर। तो अभी ये हो चुका है थिक, थोड़ा और करना है इसको, पर मम्मी सोच रहे हैं इसमें खोया ऐड कर दे मावा है ना। करना है थोड़ा काट नहीं थोड़ा ऊपर कर देंगे ना है ना। हाँ कर दो फिर। तो क्या ही है जैसा बनना था एक गजरीले जैसा भी कर रहे हैं इसको। नहीं इसमें खोया डालें तो स्वाद लगता है ना, पर मुझे लगता था ठंडा करके डालना चाहिए, बाद में भी डाल देते हैं ना ऊपर से। चलो क्योंकि ये तो फिर इसमें घुल जाएगा एकदम, दिखेगा ही नहीं। नहीं वो तो ऊपर से फिर अलग डालेंगे मेरे हिसाब से, थोड़ा सा रख लेती है ना इसमें स्वाद आएगा ना। मुझे तो बड़ा टेस्ट आ रहा है। मेरी बेइज्जती कर रही थी है आप कहती टेस्ट आ रहा है, बेइज्जती थोड़ी की आप मन पे ले गए बात मैंने सोचा शायद अच्छा बन जाए है ना। दाल का रह गया बस थोड़ा सा, क्या कहते ना एक बार हो जाए तो फिर बाद में पता चल जाता है क्या कमी रहेगी ना। आपको क्या लगता है क्या कमी रही है इसमें? इसमें थोड़ा ना बहुत ज्यादा मैंने बोला ना इसमें दूध थोड़ा ज्यादा डल गया है मम्मी से। अब नेक्स्ट टाइम पर सच में हमसे अच्छा ही बनेगा क्योंकि ये अच्छा बन गया ना अब तो वो इससे और बेटर हो जाएगा। तो मम्मी ने इसमें ऐड कर दिया और घी, घी कम लग रहा था ना इसमें, घी बहुत डलता है ना। ये अब्सॉर्ब बड़ा करता है। इसमें डालेंगे अब मेवे, ये रहे मेवे। ये मुझे ज्यादा पसंद नहीं है वैसे मेवे। तेरे को नहीं पसंद, बाकी तो पसंद ना। इसमें डालेंगे खोया। आए मम्मी के एक्सप्रेशन तो देखो, जब कोई चीज अच्छी लगे तो बनाते समय है ना फिर अच्छा लगता ना जब अच्छी बने तो, वरना ये तो बेइज्जती करती है। मैं कब बेइज्जती करती हूँ? मैं मेरी प्रॉब्लम मैं सच बड़ा बोलती हूँ। अब बन गया ना सच ने कितने गया। वाह बड़े ड्राई फ्रूट्स, ये बादाम डाल दिए ऊपर से। चलो अब करेंगे इसको मिक्स। अब इसको कर दो बंद, दाल सोल्ड कर। मम्मी ने डाल दी इसमें अब ड्राई फ्रूट्स, तो अब हो गया इसका एंड है ना। बन गए, मिक्स नहीं कर रहे अभी ये? नहीं तो थोड़े थोड़े ठाक ठाक खाने ऐसे ही। नहीं नहीं ऐसे करते नहीं, करते मिक्स। मैं तो कह रही हूँ मिक्स ही कर दो। हाय ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ढक दिया सारा, सारा ढक दिया आपने, अंदर डाल दिए सारे बादाम बादाम। ये सेट होगा फिर खाएंगे। मेरे से तो नहीं वेट होगा, मैं तो नहीं सेट होने का वेट करूंगी, मैं अभी खाने वाली हूँ इसको। तो फाइनली बना ही लिया मम्मी ने ये। तो मैं पहले वो मम्मी कहते पहले व्यूअर्स को ये लो मैं दो ये नहीं जा रही हूँ। चलो जाओ तो मैं करने वाली हूँ टेस्टिंग, और मम्मी को अभी भी लग रहा है इसमें और घी ऐड करें और घी ऐड करें, तो मैं करने वाली हूँ चम्मच लेके ये टेस्टिंग। वो भी ने भी खाई है मुकदा। ओके व्यू जी, व्यू जी कैसा है? टेस्टी है बहुत ज्यादा। तो अभी मैं करने वाली हूँ टेस्ट, व्यू ने तो दे दिया इसको, बोल दिया कि बहुत टेस्टी है। तो
पहले आपके लिए। ये क्या बोलते हैं मम्मी? मतलब वाइट स्टाइल है मम्मी। मम्मी और की ऐड कर रहे हैं इसमें, ये देखो। सच में बहुत ही ज्यादा यम्मी है, बहुत ही ज्यादा। आप भी ट्राई करके देखना, आप भी ट्राई करके देखना इस वे में। थैंक यू बोलो छोटे मामू को, थैंक यू हमें रेसिपी बताने के लिए। छोटे मामू थैंक यू बताने के लिए। हेवन हेवन इज का डेज। चलो हाय मम्मी आपने टेस्ट किया नहीं? मम्मी को टेस्ट करने दो। देखो मम्मी ने घी डाल दिया ना इसमें, इसमें सब कुछ हल्दी वाला प्याज है इसमें। मम्मी डालो फिर खाओ टेस्ट करो। मेरे को तो अच्छा लगेगा, मैंने बनाया बट नहीं आप टेस्ट करके देखो। ये मैं बना रही थी, दूध ज्यादा डाल दी थी, ये डाल दी, वो डाल दी, पर नहीं बहुत अच्छा बन गया। एक्सप्रेशंस मीठा ज्यादा नहीं पा गया। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो ना मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय 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 बाय। मानवी कह रही मुझे आना नहीं है वीडियो में। बाय।